सन 2030 तक विश्व के नागरिकों को गरीबी से मुक्त कर उन्हें एक समान, सुरक्षित एवं उत्कृष्ट जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सुनिश्चित किया गया है। भारत समेत 193 सदस्य देशों ने इन्हें वैश्विक दृष्टिकोण से अपनाया है। भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र की 70% आबादी गांवों और छोटे कस्बों में बसती है, अतः इन 17 लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर गांवों में लागू करने की जरूरत थी। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने इन 17 लक्ष्यों को 9 संकल्पनाओं में विभाजित किया है। सतत विकास लक्ष्यों में छठा लक्ष्य है पानी की उपलब्धता एवं स्वच्छता। इस लक्ष्य की पूर्ति करने हेतु जल की प्रचुरता वाला गांव और स्वच्छ एवं हरित गांव, इन संकल्पनाओं के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। अपनी सशक्त पंचायती राज व्यवस्था के कारण ग्रामीण जलपूर्ति एवं ग्रामीण स्वच्छता के विषय में महाराष्ट्र राज्य हमेशा से ही आगे रहा है। क्षेत्रीय सुधार को निरंतर बढ़ावा देने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, स्वजल धारा कार्यक्रम, जल स्वराज प्रकल्प, सुजल निर्मल महाराष्ट्र अभियान, पर्यावरण पूरक गांव यानी इको विलेज, स्वच्छ भारत अभियान, जलयुक्त शिवार, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, जल जीवन अभियान इत्यादि नवीनतापूर्ण योजनाएं पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र में कार्यान्वित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की कमी से जनजीवन पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे, औरतें और वयस्कों को पानी की तलाश में कठोर परिश्रम उठाने पड़ते हैं। जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से गांव के प्रत्येक घर को नल कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इससे न केवल पेयजल की उपलब्धता बढ़ी है किंतु घरेलू स्वच्छता बनाए रखना भी संभव हुआ है। महाराष्ट्र में भूजल व्यवस्थापन अधिनियम कार्यान्वित है। भूजल में वृद्धि कराने हेतु महाराष्ट्र के गांव-गांव में मिट्टी के अस्थाई बांध, सीमेंट बांध जैसी संरचनाएं बनाई गई हैं। नहर नालों को गहरा और चौड़ा बनाकर पानी की भंडारण क्षमता बढ़ाई गई है। नए जलस्रोत निर्माण करने के साथ साथ मौजूदा स्रोतों की मरम्मत करने का काम भी राज्य में बड़े पैमाने पर किया गया है। कई सारे वर्षों पुराने जलस्रोत उसमें गाद जम जाने के कारण निष्फल हो चुके थे। सबसे पहले उसकी गाद निकालकर और बाजू की दीवारों को पुनर्निर्मित कर गांव के लोगों ने अपने जलस्रोत को पुनर्जीवित किया है। जलयुक्त शिवार योजना के तहत कई किसानों ने अपने खेतों में फार्म पॉन्ड की रचना की है। इसके कारण फसलों में वृद्धि होने में मदद हो रही है। विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से ग्राम पंचायतों की पानी को लेकर समझ और क्षमता बढ़ाने का काम हुआ है। अब ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में होने वाली बरसात एवं उपलब्ध भूजल की नियमित रूप से जांच करके गांव का वाटर बजट बना रही है। उपलब्ध जल की बचत कर ज्यादा से ज्यादा समय के लिए अपने आप को सूखे की विपदा से बचाने में ग्राम पंचायतें सक्षम हो रही हैं। पानी की समझ विकसित होने से अब लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। अब किसान कम पानी की लागत वाली फसलों का उत्पाद कर रहे हैं। स्वच्छ एवं हरित गांव, इस संकल्पना के तहत महाराष्ट्र में गांवों को 100% खुले शौच से मुक्त कराया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गाँव में घरेलू शौचालय की निर्मिति एवं पुराने नादुरुस्त शौचालयों की मरम्मत के लिए महाराष्ट्र राज्य शासन और केंद्र शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी गई है। होर्डिंग्स और भित्ति चित्रों के माध्यम से लोगों में शौचालयों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम ग्राम पंचायतें कर रही हैं। कई ग्राम पंचायतों ने निगरानी पथकों की स्थापना कर लोगों को खुले में शौच करने से प्रतिबंधित किया है। संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियान ने गांवों को स्वच्छता के प्रति सजग बनाया है। गांव में उत्पन्न होने वाला कचरा गीला और सूखा इस श्रेणी में विभाजित किया जाता है। गीले कचरे से कृमि खाद निर्माण किया जाता है और सूखा कचरा रिसाइकल करने को प्राथमिकता दी जाती है।
स्वच्छ एवं हरित गांव बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। गांव के सार्वजनिक स्रोत से लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई करने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बढ़ी उपलब्धता और गांवों की स्वच्छता ग्रामीण भारतीय लोगों के जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य लेकर आई है। इस खुशहाली को बरकरार रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जन सहभागिता की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि इस व्यवस्था को और सशक्त बनाएं, भारत देश को आगे बढ़ाएं, स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाएं।